हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। आप लोगों के सेवा में, आप लोग के सामने हमारे सेठ सत्यप्रकाश पधार रहे हैं। शिला राम राम। आज सब तक कुशल मंगल है? आज सब बढ़िया है सेठ जी। लेकिन बस शिला ले बताओ, यहाँ पर आकर ये भाइयों को हमारा परिचय दिया? ये गुलाम आपकी परिचय तो किसी के नहीं दिया सेठ जी। परसी नहीं परिचय कहना चाहिए। ये गुलाम से आप परिचय दिलवा रहे हैं, स्वयं आप यहाँ मौजूद हैं, खड़े हैं सेठ जी। ये गुलाम को परिचय देने की क्या जरूरत है? अपने मुखार बिंदु से अपना परिचय आप खुद ही दीजिए, ये गुलाम की क्या जरूरत है? अच्छी बात है। हाँ तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सत्य प्रकाश है। मैं इसी शहर बिजनौर का रहने वाला हूँ। आज भगवान की कृपा से कमी किसी बात की नहीं है। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ मौजूद है। लेकिन सब कुछ मौजूद होते हुए भी बंशीलाल भगवान एक लड़का नहीं। ओह, लड़का तो नहीं, भगवान दो लड़की दिए। बड़ी लड़की का नाम विद्या, छोटी लड़की का नाम पूजा। बंशीलाल क्या बताऊं, इसी शहर में एक मेरा दोस्त था गौरी शंकर, जो कि मुझे प्राणों से ज्यादा प्यारा। अरे वाह, हमारी उसकी दोस्ती उस तरह से थी जैसे कृष्ण और सुदामा। ठीक कहते हो। एक बार मेरा दोस्त मुझसे कह करके दिल्ली गया और वापस आया ही नहीं। मैंने अपने दोस्त गौरी शंकर का बहुत पता लगाया, बहुत खोजा, काफी पैसा भी खर्च किया, लेकिन कहीं मेरे दोस्त गौरी शंकर का पता नहीं चला। मैं निराश होकर के बैठ गया। उसके बेटे महेश को मैंने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, सयाना हो गया। तो बंशीलाल अपनी बेटी विद्या की शादी महेश के साथ कर। अरे वाह सेठ जी, वाह, ये तो आप खूब किए, बहुत अच्छा की। इतना ही नहीं किया, महेश के लिए मिल बनवा दिया, मकान बनवा दिया। आज मेरी बेटी विद्या और महेश बड़े आराम के साथ अपनी जिंदगी बिता। अरे वाह सेठ जी, वाह सेठ जी, आपने बहुत अच्छा की। इस समय मेरी बेटी पूजा बीए में पढ़ रही है। ये बताओ, क्या पूजा कॉलेज से घर वापस नहीं आई अभी तक? आई है सेठ जी। आई है? आई है, आप तो जानते हैं, जब पूजा कॉलेज जाने लगती है तो आपसे आशीर्वाद लेके जाती है, वापस आती आपसे मिलने जरूर आती है। ये तो मालूम है। थोड़ी देर आप रुक जाइए, समय हो रहा है, पूजा आती होंगे, ऐसी बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं सेठ जी। अच्छी बात है, बैठ जाइए सेठ जी, आप बैठ जाइए। पिताजी, क्या कुछ कहना चाहती हो? हाँ पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अच्छी बात है, कह सकती हो, बोलो बेटी, क्या कहना चाहती हो? मिले गर इजाजत पिताजी तुम्हारी, मिले गर इजाजत जाऊं बहन के घर, इच्छा हमारी अपने। मैं जाऊं बहन के घर, इच्छा हमारी।
माता के पिताजी है। आपी मुझे याद बहना जी, पिताजी आज मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, मैं अपनी बड़ी बहन के घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरी बड़ी बहन की मुझे बहुत याद आ रही है और दशहरा की छुट्टी भी है पिताजी। क्या कहा बेटी, तो अपनी बहन है विद्या के घर जाना चाहती हो? हाँ पिताजी। अरे बेटी तो इजाजत तुझे दे रहा बेटी पूजा, इजाजत तुझे दे। तो इजाजत तुझे दे रहा बेटी पूजा, बड़े शौख से जा बहन घर। बात पिताजी, जा तो रही हो लेकिन एक बात मेरी ध्यान देकर के सुनो। कौन सी बात है? मगर लौट आना एक हफ्ते के अंदर, तेरे बिन दुखारी रहूं बेटी। एक हफ्ते से ज्यादा मत लगाना बेटी, नहीं तो मुझे आना पड़ जाएगा। पिताजी अब क्या कहना चाहती हो? चिंता मेरी पिताजी जरा ना करो, मेरे खातिर पिता ख्याल लाना नहीं, सिर्फ दो चार दिन में चली आऊंगी, मेरे खातिर पिता दिल दुखाना नहीं। पिताजी आज मेरी चिंता मत करना, मेरे लिए दिल मत दुखाना पिताजी, मैं जा रही हूँ, सिर्फ दो चार दिन रहूंगी, उसके बाद वापस चली आऊंगी। मुझे विश्वास, तेरी बात को मुझे विश्वास, जाओ अपने जाने की तैयारी करो और अपनी बहन से मेरा क्या कहा थे रे प्रणाम। जा बिट्टा जा, कानो बात नहीं ना, जा तहा अपने बहनिया से सेठ जी अपने बाबू का कुशल मंगल कह दियो, हमार कुशल बुद्ध कह दियो। अरे बैसल भैया, कुशल बुद्ध रहे कुशल मंगल कहा? कुशल मंगल, कुशल। ठीक है बैसल भैया, मैं विद्या बहन के घर जा रही हूँ और विद्या बहन से कह दूंगी कि बैसल बहुत कुशल मंगल से है। हाँ जाता है, ऐसा न हो कि वही रह जहाँ जहाँ पूरी परेठा खा भूल जाए। नहीं नहीं भैया, अगर मैं वहाँ रह जाऊंगी पिता की सेवा कौन करेगा? अरे ना उबू तो गुलाम तो करबे ही करे, गर्म पानी जहाँ नहाए तो हाँ ठीक हो जाए एकदम। ठीक है भैया जा रही हूँ। बिल्कुल प्रणाम पिताजी। खुश रहो, खुश रहो बेटी। बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। देख लिए बंशीलाल कितनी होनहार लड़की है, आज विद्या की इसे सुधा गई, कॉलेज से छुट्टी मिल गई तो विद्या के घर जाने के लिए तैयार तैयार हो गई। खैर कोई बात नहीं है, चलो अब ये खुश रहती है। विद्या जो है बड़ी है छोटी है, मान सम्मान बढ़िया बहुत मानती है। और ये भी विद्या का बहुत मानती है। ठीक, चलिए सेठ जी आप आराम करिए, ये गुलाम यहाँ का देख रेख करेगा। अच्छी बात है, चलिए आप राम राम। रामू मिल क्या समाचार है? मिल का समाचार सब बढ़िया है सेठ जी, जितने आपके मिल में कारीगर हैं बड़े मेहनत बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, मिल के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं।
मैं आए हुए सभी दर्शक भाइयों से अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम काशीनाथ है। काशीनाथ। और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा के रहने वाले हैं, वाह। मैं नौकरी के तलाश में बिजनौर आया और यहाँ आने पर मेरी मुलाकात सतप्रकाश जी से हुई। उन्होंने मुझे महेश के मिल का मैनेजर बना दिया। मैनेजर बना दिए। आज मिल का सारा भार मेरे कंधों पर। आपके कंधे पर है। मैं रात दिन मेहनत करके आज मिल का उत्पादन दूना कर दूना बढ़ा दिए हैं। आज शहर भर में मेरी प्रशंसा हो रही है। आपका नाम छाया हुआ है। लेकिन रामू, मेरे दिल में एक अरमान है। वो क्या सेठ जी? मैं सोचा हूँ अगर मैं भी एक दिन मिल का मालिक बन जाता फिर मेरी जिंदगी बाहर आ जाती। अरे बात सेठ जी, बात सेठ जी, आपने तो हमारे मन वाली बात कह दिए। आपने तो हमारे मन वाली बात कह दिए। आपकी इच्छा जब यही है तो मालिक ने चाहा तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। एक रोज मिल का मालिक आप जरूर बन जाएं। मैं मिल का मैनेजर हूँ। हाँ। और जरूरत पड़ने पर मुझे महेश के घर भी जाना पड़ता है। क्यों नहीं? आज मैं किसी जरूरी काम से महेश घर जा रहा हूँ। जब तक मैं हज वापस ना आऊँ तुम यहाँ का देखभाल करना। ठीक है सेठ जी, आप जाइए, बेफिक्र जाइए। ये गुलाम यहाँ का देख रेख करता रहेगा। शिकायत बात नहीं। क्या मैं बताऊं, ये गणेशवा कुड़ियों से मैं तंग आ गई। अगर ये मर जाता तो मेरे घर की सारी मुसीबत हट जाती। लेकिन क्या बताऊं, ये मरता नहीं कुड़िया हरामखोर, पता नहीं कब मरे गए। और कहिए मरिए साहब, क्या समाचार है? ठीक कर रही हो, मैं यहाँ क्यों नहीं आता हूँ इसके पीछे कुछ वजह है। क्या वजह है? बतला रहा हूँ। लो सुनाता सुनो, थाम है अपना जिगर। से जो कोड़ है चू रहा, हर कोई को जान लो उसे घृणा हो रहा। तुम से भी हर कोई मोड़ लेगा नजर। जो तुम्हारे देवर के तन से गोड़ चू रहा है, हर इंसान देकर उससे दूर दूर चलते रहते हैं। इसलिए मुझे बहुत चिंता दिल में है। आपका कहना सच नजर आ रहा। गणेश के इस कोण से हर कोई नाराज है, लगता मुझ पर गिरने वाली कोई गाज है। क्या करूं कुछ समझना मेरे आ रहा।
सोचती हूँ कि इसी गणेश की वजह से मेरे घर पे कोई आता जाता नहीं है, कोई बैठ के दबाते नहीं करता है, हर आदमी घृणा करते हैं। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। काम लीजे अकल से, घर चाहती अपना भला, दूर कर दो गणेश को, मिट जाए सारी बला, फिर महलों में आएगा ये खुशियां नजर। किसी प्रकार से गणेश को घर से बाहर कर दो, फिर सारी चिंता मिट जाएगी, फिर घर में खुशहाली खुशहाली छा जाएगी। किसी अकल से काम लूं, कुछ समझ आती नहीं, कैसे जाए गणेश घर से, राह कुछ दिखाती नहीं, काम में दुर्लभ मुझको नजर आ रहा। गणेश अगर मेरे घर से भाग जाता तो मेरे घर की शांति आ जाती, मेरे घर की मुसीबत हट जाती, लेकिन क्या करूं, इस काम तो मुझे बहुत दुर्लभ दिखाई पड़ रहा है। इस संसार में ऐसी कौन सी समस्या है जो कि हल नहीं हो सकता? ईश्वर ने नारियों में ऐसा गुण दिया है, इसे आते बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं जान सके हैं। जैसे कभी तुमने रामायण पढ़ा है, कैकेयी के नाम सुना है? अपने बेटे भरत को राज पाने के लिए क्या उपाय किया था? गोभवन जाकर नाराज होकर महाराज दशरथ को मजबूर कर दिया। वही तुम ही करके देखो, थोड़ा नाराज हो जाओ, रूठ जाओ, इसके बाद तुम्हें महेश मनाने आ जाएगा। इसके बाद तुम साफ साफ कह देना, अगर तुम मुझे दिल से चाहते हो तो अपने भाई गणेश को घर से बाहर कर दो, वरना मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका घर छोड़ के चली जाऊंगी। क्या देख लेना, वही महेश मजबूर हो जाएगा और तुरंत भाई को भगा देगा। क्या ऐसे हो सकता है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, एक बार आजमा के देखो। तब तो ऐसा मैं करके देखूंगा, फिर देखते हो इसका नतीजा क्या निकलता है। ऐसा मैं करके देखूंगी। अरे पूजा दीदी, पूजा, अरे अपने पिताजी कैसे हैं? पिताजी कुशल मंगल से दीदी। और अपना गांव देश, राम पड़ोसी, अरे सखी सहेली, अरे सीता संगीता गीता सुनीता सब कैसे हैं? सब लोग ठीक से हैं, कोई चीज कमी, सब अच्छे से हैं। अच्छा, हाँ चलो, अच्छा ही अच्छा चाहिए। देखिए दीदी, एक अरे जिससे तुम बात कर रही हो। अरे पूजा, ये तो अपने मिल के मैनेजर साहब है, इनका नाम काशीनाथ है। काशीनाथ बहुत अच्छे आदमी है। मैं इनकी मिल का मैनेजर हूँ, लोग मुझे काशीनाथ कहते हैं। और मेरी छोटी बहन पूजा है, अभी अभी घर से चली आ रही है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। नमस्ते, आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई। अच्छा मैं चलना चाहता हूँ, फिर कभी मिलूंगा। ठीक है दीदी। पूजा, तू तो अभी अभी घर से चली आ रही है। हाँ दीदी, मैं तो चली आ रही हूँ। तेरे भूख लगी होगी? हाँ दीदी। तेरे प्यास लगी होगी? और तू थक भी गई होगी ना? बहुत तेज। लेकिन क्या करूँ पूजा, अभी तो हमें एक काम करना है। ओ, कौन सा काम करना है दीदी? अरे क्या बताऊँ, वो जो हमारा देवर गणेश कोढ़िया है, उसके खाने का टाइम हो गया है, और इस वक्त तो खाना की राह देख रहा होगा। तेरे भैया मिल चले गए हैं, क्या बताऊं, आज मजबूरी में उस कोढ़ी के पास मुझे खाना लेके जाना ही पड़ेगा। चल तू चाय नाश्ता कर, खाना पीना कर, आराम कर, मैं जाके उस कोढ़िए को कुछ खिला पिला दूं। चलो दीदी, चलो।
कोई कष्ट नहीं आने दूंगी गड़िया। चलो अंदर खाना खा लो। मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दूंगी कि सारी जिंदगी हाथ मल मल के पछताओगे।